नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक मिजबिल द ऑटर। आज मैं आपको इसकी समरी बता रही हूँ हिंदी में। कुछ मैं इसके महत्वपूर्ण बिंदु बताऊँगी जिसके अनुसार आप इसे शॉर्ट में भी याद कर सकते हैं। सबसे पहला इसका बिंदु है कि लेखक पालतू उदबिलाव रखने का निर्णय लेता है, डिसीजन लेता है। लेखक 1956 के नए वर्ष के आरंभ में दक्षिणी इराक गया। उसने निर्णय लिया कि वह कुत्ते की बजाय पालतू उदबिलाव रखेगा। उसके रहने के स्थान कैम्प्स फरना के चारों तरफ काफ़ी पानी था, इसलिए यह उसके लिए ठीक होगा, यानी उदबिलाव रखना उसके लिए अच्छा होगा, इसलिए वह एक उदबिलाव रखने का निर्णय लेता है। लेखक के मित्र ने यह सुना, उसने उसे टिगरी के दलदलों से एक उदबिलाव को लेने के लिए सुझाव दिया क्योंकि वहाँ काफ़ी उदबिलाव पाए जाते हैं। वह और उसका मित्र एक उदबिलाव को लेने के लिए बसरा जाते हैं। उसके मित्र की डाक कंसुलेट जनरल में पहुंच गई थी, परंतु उसकी डाक अभी नहीं पहुंची थी। लेखक ने वायरलेस के द्वारा एक संदेश इंग्लैंड भेजा। लाइन में कमी या छुट्टियों के कारण कुछ दिनों की देरी हो गई थी। आखिरकार उसकी डाक पहुंच जाती है। इसे पढ़ने के लिए वह अपने कमरे में जाता है और वहां उसने दो अरबों को एक उदबिलाव के साथ देखा। उन्होंने उसे कहा कि वह उसके लिए ही हैं, यानी उदबिलाव उसे उसके लिए लाया गया है, ये कहा गया। लेखक कहता है कि उस उदबिलाव के साथ उसके जीवन में एक बदलाव आ गया। उसके जीवन का यह पहलू अभी भी जारी है। उसे दिया गया जानवर एक छोटे परदार सांप की तरह दिखाई देता था। उदबिलाव की कमर पर मिट्टी के रंग जैसी ढाल की तेज परतें बनी हुई थी। किनारों के बीच एक नरम मखमल जैसी फर थी। वह चॉकलेट जैसे भूरे छछुंदर की तरह था और उसके शरीर पर काफ़ी धूल और मिट्टी लगी हुई थी। उसे उसके शरीर से मिट्टी उतारने में महीनों लग गए। लेखक ने उदबिलाव का नाम मिजबिल रख दिया। उसकी प्रजाति के बारे में विज्ञान को कुछ भी मालूम नहीं था। जीव विज्ञानिकों ने उसे मैकवेल का उदबिलाव नाम दे दिया था। पहले पहल मिजबिल अकेला था। उसने फर्श पर सोना चुन लिया और अगले दिन वह लेखक के बिस्तर पर आ गया और उसके घुटनों में सोया। दिन में उसने अपने चारों तरफ घूम फिर करके काफ़ी आनंद लेना शुरू कर दिया था। लेखक ने उसके शरीर की बेल्ट बनाई। वह उसे बाथरूम में ले गया। बाथटब के पानी के नीचे जाकर उदबिलाव खुशी से लगभग पागल हो गया था। दो दिन के बाद मिजबिल लेखक के बेडरूम में खिसक गया। वह बाथरूम में चला गया और बाथ टब में घुस गया। उसने नलका खोला, नल में पूरा पानी आ गया। बाद में जब नल को नहीं खुला तो उसने गुस्सा भी दिखाया। शीघ्र ही मिज लेखक का पीछा करने लग गया जब वह उसका नाम पुकारता था। वह कमरे में रबर की गेंद को घंटों तक घुमाता रहता और फुटबॉल खिलाड़ी की तरह इससे खेलता भी था। एक उदबिलाव का वास्तविक खेल तब होता है जब वह अपनी कमर के बल लेटता है। वह अपने पंजों में छोटी छोटी चीज़ों को लेकर खेलता है। उसके प्रिय खिलौने जो हैं वो गोलियां थी। बसरा में लेखक के दिन काफ़ी शांति से गुजरे। लेखक मिज को इंग्लैंड और कैम्सफन तक ले जाने से डरता था। ब्रिटेन की एयरलाइन जानवरों को नहीं ले जाती थी, इसलिए उसने दूसरी एयरलाइन से पेरिस तक की उड़ान और दूसरी लंदन तक की उड़ान की बुकिंग करा ली। मिज को एक बक्से में रखा ताकि वह इसका आदि हो जाए। उड़ान का समय हो गया था। लेखक अपने खाने के बाद आया। उसने बक्से से पूर्ण शांति पाई। बक्से के हवा के छिद्रों से खून बूंद बूंद करके बाहर आ गया था और सूख गया था। उसने तुरंत उस बॉक्स को खोल करके देखा और मिज को देखा तो वह खून से सना हुआ पड़ा था। उसने बक्से की भीतर की लाइनिंग जो थी वो फाड़ डाली थी। उड़ान में केवल 10 मिनट रह गए थे। हवाई अड्डा 5 मील दूर था। लेखक ने मिज को वापस बक्से में डाल दिया। बक्से को पकड़कर लेखक कार में बैठ गया। बसरा की गलियों में ड्राइवर ने गाड़ी को गोली की तरह चलाया। हवाई उड़ान भरने की प्रतीक्षा कर रहा था। लेखक तेजी से अंदर जाता है, हवाई जहाज के भीतर जाता है और सीट के पास उसने अब जो सीट के पास उसकी जगह थी उसे समाचार पत्रों से ढक दिया, न्यूज़पेपर से ढक दिया। उदबिलाव के खाने के लिए उसने एयर होस्टेस को मछलियों का एक पार्सल दिया। उसने उसे उदबिलाव की आखिरी घटना के बारे में बताया। उसने मिज को अपने घुटनों में रखने का सुझाव दिया। शीघ्र ही मिज बक्से से बाहर आ गया।
और वह गायब हो गया। हवाई जहाज के अंदर काफ़ी चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी, चूहा चूहा सब लोग ऐसे बोलने लगे। लेखक ने मिज की पूंछ को एक भारतीय की टांगों के बीच में देखा। लेखक का चेहरा ढक गया था। एयर हॉस्टेस ने लेखक को विश्वास दिलाया कि वह जानवर को ढूंढ लेगी। लेखक अपनी सीट पर लौट आया और शीघ्र ही मिज भी उसके पास आ गया। मिज और लेखक लंदन में लगभग एक महीने तक रहते हैं और वहाँ पर खिलौने, पिंग पोंग की बॉल्स, गोलियों और रबड़ के फूलों से वह खेलता रहता है। वहाँ पिंग पोंग की बॉल से वह सूटकेस के साथ खेलता, सूटकेस के ढक्कन से बॉल को पकड़ता और छिपता दूर भाग जाता। इससे वह उसका प्यारा खेल बन गया था। लेखक उसे रस्सी से बाहर घुमाने ले जाता, रस्सी बांध करके लंदन की गलियों में, उन शहरों में मिज को कुछ अच्छा जो उसकी आदतें थी बदल गई थी और बच्चों के साथ खेलते दौड़ते गलियों में चीज़ों को छूते हुए वह चलता था। वह लेखक को प्राइमरी स्कूल की बाहरी दीवार के पास ले जाता और उस पर दौड़ता। इसमें बच्चों को भी अच्छा लगता और उनका ध्यान भी बढ़ जाता था। मिज की उपस्थिति से लंदनवासी उसके प्रकार यानी उदबिलाव के प्रकार के बारे में अनुमान लगाने लग गए। उदबिलाव मस्टलिन कहे जाने वाले जानवरों के छोटे से समूह से संबंधित है। ये बिज्जू, नेवला, कथियान्याल, स्टोट, विस्तरक और दूसरे जानवरों के द्वारा बांटे जाते हैं। लेखक के पास कई प्रश्न आए। यह एक शिशु सील, एक वालरस, कोई इसे दरियाई घोड़ा कहता, कोई उदबिलाव कहता, कोई छोटा भालू या तेंदुआ, परंतु मिज एक उदबिलाव के सिवा कुछ भी नहीं था। लेखक ने एक मजदूर के द्वारा उठाए गए प्रश्न को सबसे ज़्यादा नंबर दिए। वह गली में एक बिल खोद रहा था। उसने लेखक को उदबिलाव के साथ देखा। उसने अपना औजार रख दिया। वह उसके समीप आया और उसे घूर कर देखा। फिर वह गुर्राया, यहाँ मिस्टर, यह क्या हो सकता है। इस प्रकार से मिजबिल एक छोटे से उदबिलाव की कहानी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके बताना।